अस्सलाम वालेकुम जय बोल रहे हैं, कैसे हैं आप लोग? आप कैसे हैं? नाजिन, हम आपको बताते चले कि जेब जो हैं वो दूल्हा के सबसे बड़े भाई हैं और इस वक्त लंदन से तशरीफ लाए हैं अपनी फैमिली के साथ, खासतौर पर ये इवेंट अटेंड करने के लिए, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि इनकी क्या फीलिंग है। सी मेरी फीलिंग्स, मैं क्या बयान करूँ अपनी फीलिंग्स को, बहुत खुशी हो रही है कि मेरा भाई माशाल्लाह फाइनली दूल्हा बन रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है। और लेना आप बताएं आपकी क्या एना, माशाल्लाह दो नैना के साथ आएंगी तो आप लोग तैयार हैं? एना नैना, हम उनके साथ नैना नैना के साथ। और आप सारी बातें ये साथ छोटे हैं और तो आपका क्या रिश्ता है साथ की बीवी के साथ, आप क्या हो? और आप ये अपनी बिल्कुल छोटी बहनों की तरह स्क्रीन के ऊपर अच्छा है, ये स्प्रेड होनी चाहिए। और लैला, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आयशा गुलालाई के बारे में आप जानती हैं? हर नो इन्फॉर्मेशन। आपके क्या कॉमेंट्स हैं? अच्छा नहीं क्या जेब साहब, आप तो सियासत को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं आप। नाजिर, हमारे का बात आपको और बताते चले कि जेब जो हैं ये लंदन के बहुत बड़े एक ताजिर होंगे और इनका गोल्ड लीक की स्मगलिंग का बहुत पुराना काम है, तो आप ये बताएं कि आयशा गुलालाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आयशा गुलालाई के बारे में ये कहना चाहूँगा कि उनके अब्बा जो थे, एक दफ़ा उन्होंने मेरे जाली गोल्ड लीक पकड़ा और उनसे मैंने कहा मुझे बस 10 डंडे चाहिए, मैंने कहा आपको मिल जाएंगे बिल्कुल, और उन्होंने मुझे 10 डंडे ओरिजिनल पैसे, इसके सही पैसे लेके उन्होंने मुझे फेक गोल्ड लीक पकड़ा, मैंने कहा उन्होंने गोल्ड लीक चार्ज करके केटू पकड़ा। जी, केटू अंदर करके दे दी पेशावर, पेशावर में इसको, यही तो मैं कह रही हूं, और पूरा खानदानी जाल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तासुरात का, इंशाल्लाह हम आपसे फिर दोबारा आपको ज़हमत देंगे, आप लोग आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे लिए, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मा सलाम अंत।